हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। फेमिदा किचन्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चाप फ्राई, ये देख सकते हैं आप। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये आधा किलो चाप है। इंग्रेडिएंट्स के नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 3 चम्मच। अब हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। अब हम 2 चम्मच दही डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, चाप को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाले में। अब हम इसे कुकर में डालेंगे। तो इसे हम कुकर में डाल लेते हैं। और इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे इसमें डालेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और इसे 3 सीटी ले लेंगे। अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। ये देख सकते हैं आप, 3 सीटी हो चुकी है लेकिन पानी अंदर है, तो इसे पानी को सुखा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, चाप का पानी सूख चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छे से चाप में मिक्स कर लेंगे। चाप में मसाला लगा लिए है, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें चाप फ्राई कर लेंगे। गैस को धीमी आंच पर रखेंगे। चाप एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलटा लेंगे। ये देख सकते हैं आप, चाप फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, चाप तैयार हो चुकी है। ऐसे करके हमें सारी चाप फ्राई कर लेनी है। ये देख सकते हैं आप, चाप फ्राई तैयार हो चुकी है। आप इसे घर पर ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि हमारी वीडियो आपको पहले मिल सके। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड